एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आप पर काला जादू वसीकरण या कोई टोटका हो जाता है तो उसके लक्षण क्या होंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो अपना बचाव कैसे करें, कैसे भूत प्रेत के वार से बचाव करना है, कैसे किसी तंत्र क्रिया से बचाव करना है और जादू टोनों से, गलत हवाओं से अपना बचाव कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि आप अपने और अपने परिवार की रक्षा कैसे करेंगे। लगता है आपको कोई लक्षण है आपके पास और भूत प्रेत का भी साया आपको महसूस होता है, काला जादू महसूस होता है, तो ये चीज आपको बिल्कुल निजात दिलाएगी। देखिए, सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदे मिलाएं। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे में जितने भी रूम हैं, जीने, गैलरी, ड्रॉइंग रूम, किचन, हर जगह पर आप उस दूध के छींटे मारें। और देखिए, जब छींटे मारें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें उस वक्त, या फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, जहां आप कंफर्टेबल हैं वो चीज़ कर सकते हैं। और जब दूध बच जाए तो मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। जितने भी टोटके आपके पीछे हैं, जितने भी विसीकरण आपके पीछे हैं, उन सब से आपको निजात मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आप पर भारी हवाओं का बहुत बड़ा साया है, यानी कि भूत प्रेत का साया है, तो आप क्या करें, लहसुन के रस में हींग घोलकर आँख में डालने या उसको सुंघा दीजिए। अगर आपको लगता है भाई आँख में डालने से तड़पन ज़्यादा हो जाएगी, बच्चा है, औरत है, सहन नहीं कर पाएंगी, पहले से इंसान बीमार है और ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो आप वो सुंघा दें। पीड़ित के ऊपर से जो ऊपरी हवाएं हैं उनसे उसको मुक्ति मिल जाएगी। थोड़े बहुत अगर वसीकरण की चपेट में है तो वहाँ से भी उसको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं नज़र दोष की। देखिए, नज़र दोष ऐसी चीज़ है जो किसी भी इंसान को मिट्टी में मिला सकती है। अगर हरे पेड़ पर नज़र पड़ जाए तो हरा पेड़ भी सूख सकता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सबसे मजबूत नज़र का बचाव, जिससे आप आजीवन अपनी नज़र दोष बाधा से बच सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, रविवार स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सदाई की जड़ बांधकर गले में धारण कर लिए। देखिए, जितना बताया आप उतना ही करें, 8 ही पत्ते ले, 8 काली मिर्च ले। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर साया बहुत ज़्यादा है, हम 8 की जगह 12 पत्ते कर सकते हैं, 12 की जगह 15 पत्ते कर सकते हैं क्या? तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें जो नंबर मैंने बताया है। देखिए, अगर आपने न्यूमेरोलॉजी पढ़ी होगी, अगर आपने अंकशास्त्र के बारे में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सटीक होती हैं। हर नंबर का अपना अहम किरदार होता है, हर रोल होता है, तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी गलती ना करें। आप 8 तुलसी के पत्ते लें, 8 काली मिर्च लें, सहदई की आप जड़ ले लें। जितनी भी बुरी नज़रें आपके ऊपर हैं उन सब से आपको निजात मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं आज के आखिरी उपाय की, जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए है। देखिए, अगर आप ऊपरी हवाओं से मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर, देखिए अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको 7 बार ही हनुमान चालीसा का पाठ कर जल अभिमंत्रित करना है। जब जल आपका अभिमंत्रित हो जाए, जब आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद वही जल आपको पीड़ित को पिला देना है। इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा और आप खुद महसूस करेंगे इस चीज़ पर कि हाँ भाई, जितनी भी बुरी तरीके की सोच मेरे अंदर थी, चिड़चिड़ापन था, वो सब धीरे धीरे दूर हो रहा है। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रख सकते हैं। अभी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई त्रुटि रह गई है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, हर एक सवाल का मिलेगा बिल्कुल सही जवाब। बाकी मैं मिलता हूँ कल, तब तक आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, अपनी परिवार की रक्षा पूर्ण तरीके से आप कर पाएं। मिलता हूँ कल, तब तक आप सभी को अलविदा, जय श्री राम।